रोज रोज आलू खाते खाते हो गए परेशान, तो चलिए इस वीकेंड बनाते हैं कुछ खास, मक्खन वाले क्रीमी पालक पनीर। मैं नवीन खुराना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ खुराना किचन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी। यहाँ पर मैंने पालक लिया है 1/2 किलो, उसकी डंठल को इस तरह से काट कर निकाल देंगे। अब इस पालक को हम बॉईल करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से ज़्यादा बॉईल नहीं करना है क्योंकि फिर पालक ज़्यादा गल जाएगी। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब एक टिप, पालक के कलर को मेंटेन करने के लिए हम इसे फटाफट चिल्ड वाटर में डाल देंगे जिससे कि इसका कलर मेंटेन रहता है। तो चलिए अब इसे ग्राइंड करते हैं। अब सेकंड टिप, ग्राइंड करते वक्त आप इसमें थोड़े से धनिया के पत्ते भी ऐड कर दीजिएगा, इससे पालक का कलर और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। अब मैंने साथ में यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया और 2-3 हरी मिर्च। तो चलिए इसे ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह का पेस्ट बनकर रेडी होगा। कितना अच्छा कलर है देखिए। चलिए अब हम पनीर कट करते हैं। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पनीर लिया है, आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप एक जैसे पीसेस किस तरह से कट कर सकते हैं। आपको इस तरह से कट करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे कट कर सकते हैं हम, और सारे के सारे पीसेस एक जैसे ही कट होंगे। ये देखिए, इसे अब एक बॉइल में ट्रांसफर करके रख देंगे। चलिए अब हम पालक पनीर की ग्रेवी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑयल लीजिए, अब इसमें 1 चम्मच जीरा, साथ में 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज पत्ता, इनको अच्छे से मिलाएंगे। जब ये थोड़ा कड़क जाए उसके बाद हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे जो कि 1 टेबलस्पून है। इसको भी हल्का ब्राउनिश कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसे चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है। उसे हल्का सुनहरा होने तक भूनेंगे। साथ में 2 सूखी लाल मिर्च तोड़कर डाल दीजिए। अब मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का टमाटो लिया, साथ में 2 ग्रीन चिली इसमें भी मैंने चॉप करके डाल दी थी। इसे ऐड करने के बाद अच्छे से मिलाइए। चलिए अब कुछ सूखे मसाले ऐड करते हैं। स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे धनिया लिया और 1/4 चम्मच हल्दी। इन सबको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम यहाँ पर किचन किंग मसाला ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून। आप चाहे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, पर ये थोड़ा गरम मसाले से लाइट होता है इसलिए मैं किचन किंग मसाला का यूज़ करता हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून सके। अब स्टेज पर हम पनीर को ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखा हुआ था, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो पनीर में भी चला जाए। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम पालक की जो हमारी प्यूरी है हम उसको ऐड कर देंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। हम अच्छे से मिक्स होने के बाद हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून क्रीम लिया है, फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो अमूल क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से आपका पालक पनीर दिखेगा।
अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक कर रखेंगे। 2 मिनट बाद खोल कर देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से। आप इसकी कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कितना ज़्यादा थिक रखना है ये आपके अकॉर्डिंग आप तय कीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून बटर को ऐड किया है। भाई बटर का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है। तो देखिए बटर भी अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा पालक पनीर सर्विंग के लिए तैयार है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा और क्रीम डाला है। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।